और इधर पूर्णिया से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन भरने के बाद कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पप्पू नामांकन वापस ले या कार्रवाई करेंगे। वहीं पप्पू ने साफ कर दिया है कि पूर्णिया वो नहीं छोड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा के 17वें सीजन के लिए चुनावी पिच तैयार है। आमने सामने इस मैच में टीम फाइनल है, दो खेमे में बटे हुए हैं। एक खेमा है एनडीए गठबंधन तो दूसरा है एनडीए। दोनों खेमों के खिलाड़ी फाइनल हो चुके हैं। एनडीए के कप्तान पिछली बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इंडी में अंदरूनी कलह ही निपटने का नाम नहीं ले रही। कुल 543 सीटों पर चुनावी पारियां 7 चरणों में खेली जानी है। मैच की जगह फिक्स है और खिलाड़ी भी, लेकिन बिहार की पूर्णिया सीट पर पप्पू पर ऐसा पेच फंसा कि इंडिया अलायंस में ही खटपट शुरू हो गई। पूर्णिया सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ विलय किया, लेकिन लालू खेल कर गए। लालू ने महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया। बस यहीं से वो कलह शुरू हो गई, जिसका कभी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जीत की जिस डगर पर कांग्रेस के सहारे इंडिया आगे बढ़ रही थी, उस पर लालू ने मिस्ट्री बॉल फेंक दी और यहीं से खेल बिगड़ा। और यहाँ लड़ाई लालू की जिद वर्सेस पप्पू यादव की हो गई। ऐसे में पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से ही नामांकन करने का ऐलान किया और चल दिए पर्चा भरने। पूर्णिया की सड़कें अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए पट गई और हर तरफ गूंजता सुनाई दिया सिर्फ एक नाम। इस पूरे मैच के दौरान एक दृश्य था जिसने सबका ध्यान खींचा और वही बन गया टर्निंग पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल मैच। सड़कों पर पप्पू यादव के लिए जो लोग जुटे थे, वो समर्थन तो पप्पू का कर रहे थे, लेकिन झंडा था उनके हाथों में कांग्रेस का। पूरा नजारा देखे कांग्रेस के झंडों से पटा पड़ा है। कांग्रेस का यह झंडा बहुत कुछ कह रहा है। कांग्रेस का झंडा कह रहा है कि कांग्रेस भले ही टिकट ना दो, लेकिन कांग्रेस पप्पू के साथ है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगे, कांग्रेस का झंडा आपको नजर आ गया, यानी कांग्रेस का समर्थन पप्पू यादव के साथ है। ये महज तस्वीर नहीं, मायने बेहद खास है। हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने लोगों से इसकी वजह जाननी चाहिए, तो सुनिए क्या जवाब मिला उनसे। कांग्रेस का समर्थन मिले या नहीं मिले, पूर्णिया के जन जन का समर्थन है पूर्णिया के बेटा को, और यहाँ कोई लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। अपने मन से सभी जनता आए हुए हैं, सभी समर्थन पप्पू यादव का कर रहे हैं। यहाँ का आम आवाम पप्पू यादव का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस के लोग नहीं, आज के तारीख में पूरा देश और पूरा बिहार संपूर्ण रूप से पप्पू यादव के उम्मीदों पर। पप्पू यादव ने जो सेवा किया है, पप्पू यादव ही खड़ा होते हैं। पूर्णिया सीट पर चल रहा संग्राम बाकी सीटों से अलग है। तमाम समर्थकों की मौजूदगी में पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन किया। पर्चा दाखिल करने से पहले पप्पू अपने घर गए और माता पिता और अपनों का आशीर्वाद लेकर वहां से अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। उनके परिवार वालों ने भी पप्पू की इस पारी में उनके पिछले सभी मैचों के रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार हम लोग का नारियल छाप से हम लोग जीते थे 4.5 लाख वोट से। मुझे लग रहा है उसका भी रिकॉर्ड इस बार ना तोड़ दे। हम लोग को तो दोनों हाथ आशीर्वाद है, भगवान करे उनको जगह मिल जाए जो हम लोग खुश हो जाएंगे। 2 लाख 2.5 लाख से वो जीतेंगे। वो सेवा किए हैं समाज में, समाज का बच्चा बच्चा उसको जानते हैं और कण कण में पप्पू यादव समाया हुआ है। पिता ने पूर्णिया की जनता को पप्पू के लिए पागल बताया, तो पप्पू भी बातों में पूर्णिया से जुड़ाव और वो भावुकता देखने को मिली। पूर्णिया से दूर होना मेरे लिए मौत के बराबर था। मैंने बार बार कहा, अब पूर्णिया से कोई अलग करना भी चाहता तो आत्महत्या ही होती मेरी। पप्पू ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर लालू यादव के अड़ियल रवैये पर भी निशाना साधा। किसी के जिद ने जो मन में था कर लिया, और पप्पू यादव नहीं लड़ेंगे किसी कीमत पर। और कांग्रेस में जाना इतनी तकलीफ हो गई, तो मैंने तो कहा कि आप आरजे, आपको लगता है कि कांग्रेस में गलत किए तो आप पूर्णिया हमको आरजेडी से ही आप लड़ा लीजिए, यदि आपको इतना तकलीफ है तो। नहीं, आरजेडी क्यों नहीं। एनडी से टिकट ना मिलने के बाद भी उन्होंने एक बात साफ कर दी, वो ये कि बेशक वो लड़ रहे निर्दलीय है, लेकिन दिल उनका कांग्रेस के साथ ही है। इस बात को उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया।
हमारी लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ राहुल गांधी को पीएम बनाने का है। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए हर परिस्थिति में हमारे बिहार के सारे वर्कर काम करेंगे। और इन्हीं बातों में सीक्रेट डील अनलॉक हो गई। इसके लिए पहले पप्पू यादव का ये बयान सुनिए। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, हमें कांग्रेस परिवार से अलग करने की भरपूर कोशिश की गई, मरते दम तक कोई कांग्रेस परिवार से हमें अलग नहीं कर सकता। जी हाँ, पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन उन्हें प्राप्त है। एक बार फिर पप्पू को फिर से सुनिए। मुझको किसी से मतलब नहीं है, मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इस बयान के मायने क्या है? जिस तरह पप्पू का दिल कांग्रेस से मिला है, उसी तरह बैकडोर से कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही है। पूर्णिया सीट पर लालू के खेल के बाद कांग्रेस उनके साथ खेल रही है। इंडिया अलायंस की सीमाओं को कांग्रेस की तरफ से तोड़ा जा रहा है, यानी गठबंधन किसी के साथ और समर्थन किसी का। पप्पू की बातों से एक बात तो साफ है, वो ये कि पूर्णिया और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ना अपनी मिट्टी से हटकर दूसरे की जमीन पर मैच खेलने जैसा है। रिश्ते का डर होता है कि रिश्ते की जो इज्जत है वो दुनिया में बहुत कुछ है। मैं रिश्ते के मामले में मैं बहुत पागल हूँ और रिश्ते के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूर्णिया की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहाँ पप्पू यादव ने नॉमिनेशन के बाद फिर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। पप्पू यादव के चुनावी मैदान में आने से बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ गई है और एनडीए में जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा की राह आसान होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। घोटालेबाजों को मोदी देकर रहेगा सजा। कुछ बिहार में एनडीए गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट कर रही है झूठी राजनीति। एनडीए गठबंधन अपने आप में भ्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उधर मोदी की गारंटी जीरो गारंटी, ये कहना है कुणाल घोष का, कहा कि पीएम ने प्राकृतिक आपदा पर एक भी शब्द नहीं कहा। मोदी की गारंटी जीरो गारंटी। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में पीएम मोदी के एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग, सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। बिहार के जमुई से पीएम मोदी की दहाड़, कहा देश में गूंज रही है बीजेपी और एनडीए के हुंकार, बिहार की सभी सीटें आएंगी एनडीए के खाते में, कांग्रेस और आरजेडी ने दुनिया में देश का नाम खराब किया है। बिहार के जमुई में चुनावी सभा की कुछ और तस्वीरें भी पोस्ट कर लिखा, जमुई में असाधारण उत्साह, एनडीए बिहार में जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ममता बनर्जी के दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार, शाजिया इल्मी ने कहा ममता ने पीएम के लिए सड़क छाप भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, राजनीतिक खौफ से घबराई हुई है दीदी। और जिस तरह का भद्दा शब्द और सड़क छाप शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, साफ दर्शाता है कि कितनी बौखलाई हुई, कितनी सकपकाई हुई है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीएम ममता पर शुभेंदु अधिकारी ने साधन चाना, कहा ममता ने पीएम के लिए अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग को तुरंत करनी चाहिए कार्रवाई। अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने ठोकी दावेदारी, कहा अमेठी से मैं चुनाव लड़ने को तैयार, बीजेपी ने कसा तंज। रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी पर बीजेपी का तंज, राकेश त्रिपाठी ने कहा जमीन से जुड़े कांग्रेस नेता छोड़ रहे हैं अमेठी, वाड्रा का जमीन से वास्ता, भ्रष्टाचारियों की लोकतंत्र में जगह नहीं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा वाड्रा के बयान से साफ दिख रहा है वो लड़ना चाहते हैं चुनाव, गांधी परिवार मौका दे तो लड़ पाए चुनाव और अमेठी से जीतेंगी स्मृति ईरानी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का वाड्रा पर सियासी निशाना, कहा बयान से साफ है परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे वाड्रा, गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा कौन है सर्टिफिकेट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से नहीं मिला है अभी तक कोई आवेदन, अगर कांग्रेस में किया आवेदन तो सोनिया राहुल जाने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा मोहब्बत की दुकान से कौन सा फरमान, हेमा मालिनी बोली महिलाओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी आदत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर लिया स्वतः संज्ञान, कहा बयान से हेमा मालिनी की गरिमा को पहुंची है ठेस, चुनाव आयोग तो पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी सांसद अग्निमित्रा पॉल का बयान, कहा प्रियंका गांधी आज भी दे चुकी है
आज भी चुप हैं, जवाब दें चुनाव में भुगतेंगी परिणाम। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर वार, कहा महिलाओं के लिए कांग्रेस की सोच ही ऐसी है। सुप्रिया ने भी कंगना रनौत के बारे में ऐसी टिप्पणी की थी। हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी करने पर फंसे रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस। महिला आयोग ने 9 अप्रैल को पंचकुला स्थित दफ्तर आकर मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर अदिति सिंह का पलटवार, रणदीप सुरजेवाला का बयान कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है। सपा नेता घनश्याम तिवारी ने सुरजेवाला के बयान पर जताया विरोध, एनडी गठबंधन के नेताओं से गुजारिश, कहा किसी भी नेता के जरिए बहन बेटियों के लिए नहीं निकालना चाहिए अपशब्द। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये नारी जाति का अपमान है और कांग्रेस से बर्खास्त कर देने चाहिए सुरजेवाला। हरियाणा के अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया, कहा कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जनता वोट के जरिए जवाब देगी। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन के बाद कांग्रेस ने चेतावनी दी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा नामांकन वापस लें पप्पू, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने पप्पू के नामांकन पर सवाल उठाए, कहा कांग्रेस नेतृत्व तो नहीं देता इसकी इजाजत, कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू यादव। पर्चा दाखिल करने के बाद बोले पप्पू यादव, कई लोगों ने मेरी राजनीतिक रूप से हत्या करने की साजिश रची, हर किसी की आवाज है पप्पू और पूर्णिया। पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने के बाद पप्पू यादव ने लोगों से बातचीत की, महिलाओं ने कहा कि हर सुख दुख में पप्पू यादव आते हैं। दिल्ली में बीजेपी के पोस्टर्स को लेकर आपने जताई आपत्ति, केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाने को लेकर दिल्ली चुनाव आयुक्त ने शिकायत की। दिल्ली में पोस्टर्स को लेकर आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कुछ पोस्टर्स में सीएम केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं, एक्शन न होने पर चुनाव आयोग से समय मांगेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई, बेटे को एग्जाम दिलाने के लिए जमानत की मांग रखी। यूपी के बदायूं में शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को धमकी दी, वोट दो नहीं तो होगा हिसाब किताब, लोकसभा चुनाव से पहले वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्र ने शिवपाल यादव पर की टिप्पणी, कहा महासचिव बताया गुंडों का सरदार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनाव प्रचार किया, नड्डा ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला कहा भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर, विपक्ष के आधे नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली कर रही है इंडी गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के विकासनगर में भरी हुंकार, कहा पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा ही बदल डाली और अब सिर्फ विकास की राजनीति ही चलेगी। विकासनगर से जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, कोर कमेटी की बैठक में चुनाव को लेकर जोर दिया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में सीएम धामी ने चुनावी सभा को संबोधित किया, कहा विकसित भारत के लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य। यूपी के मऊ का एक और वीडियो वायरल हुआ, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अरविंद राजभर को नीचे बिठाकर सिर झुकवाया, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से मंगवाई माफी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट की जारी, गुजरात की 3 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया, वडोदरा जूनागढ़ और सुरेंद्रनगर में उतारे कैंडिडेट। यूपी डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा मोहब्बत की दुकान से महिलाओं के खिलाफ ओछी टिप्पणी की बौछार। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आभाड ने अजित पवार पर टिप्पणी की, कहा कार्यकर्ताओं को सत्यानाश करने की अजित ने काम किया है और दूसरों के घर पर नहीं मिलता है अच्छा खाना। आज मरुधरा में गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी, चुरू में चुनावी विजय शंखनाद सभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा हरिद्वार में करेंगे चुनावी रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पूरी तैयारी, माया देवी मंदिर में दर्शन कर साधु संतों से भेंट करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, आज जारी कर सकती है चुनावी घोषणा पत्र। आज पश्चिमी यूपी में गरजेंगे सीएम योगी, बागपत में जयंत चौधरी के साथ चुनावी सभा करेंगे, एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट, अलीगढ़ में भी करेंगे चुनावी प्रचार।